हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आइए आज हम आपको हमारे क्लाइंट से मिलवाते हैं और उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा उनसे पूछते हैं। हेलो मैम। हेलो सर। मैम, आप यहाँ पे किस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं? ये पिगमेंट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कितने साल से आपको झाइयाँ थी? मेरे को 3 साल से थी। 3 साल से। और इससे पहले क्या आपने एलोपैथी या होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, कोई और इससे पहले कोई ट्रीटमेंट लिया था? हाँ जी, मैंने मतलब होम्योपैथिक 1 साल तक यूज़ किया था। लाइट हो गई थी लेकिन फिर मतलब 1 साल हो गया यूज़ करते करते, फिर मुझे नहीं लग रहा था कि वो जाएंगी, क्योंकि उनका टाइम पीरियड 6 मंथ का ही बताया था या साल का बताया था। तो साल तक वो लाइट ही रही लेकिन ठीक नहीं हुई, फिर मैंने उसको बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैंने गायनोवेदा स्टार्ट की थी, वो आयुर्वेदिक ही बता रहे थे। वो भी मैंने 3 मंथ यूज़ की, फिर मेरे पेट में गर्मी बहुत ज़्यादा रहने लग गई। अच्छा। फिर मैंने वो भी बंद कर दी। फिर अच्छा, आप एलोपैथिक पे नहीं गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं गई। लेज़र पीलिंग इनसे बिल्कुल दूर दूर नहीं। एक चीज़ आप मेरे को बताइए कि अब तक आपने जो ये आपकी प्रॉब्लम थी इस पर कितना पैसा अब तक स्पेंड किया होगा? अभी इतना मैंने खैर नहीं वो किया, क्योंकि मैंने ये दो ही ट्रीटमेंट लिए। हाँ जी, एलोपैथी में गई नहीं, होम्योपैथी भी इतनी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा महंगी थी और ना ही वो थी, गायनोवेदा भी इतनी ज़्यादा वो नहीं थी। तो फिर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? आपके बारे में मीन्स में हमारे साथ एक फ्रेंड है, वो यूट्यूब पे आपको देख रहे होंगे, तो उन्होंने मुझे मतलब मैं पीलिंग करवाने जा रही थी। अच्छा। उनसे मैंने किया कि मैं बहुत थक गई अभी, मतलब मुझे नहीं लग रहा आराम आएगा, तो मैं पीलिंग करवाने के लिए उससे मतलब वो पार्लर का काम करती हैं, फ्रेंड है मेरी काफ़ी क्लोज, तो उनसे पूछा था मैंने। उन्होंने मुझे फिर इनका बताया कि उनसे बेटर यहाँ जाओ आप, मतलब हमको इधर विश्वास है और बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। तो आप मतलब बस ये लगाइए कि आप बिल्कुल बच गए, ठीक है, वरना आप जिस स्टेज पे जा रहे थे वहाँ से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। हाँ जी, वो खुद ये काम करती हैं, तो उन्होंने ही मुझे एडवाइस दी कि मैं खुद ये सब कर चुकी हूँ और मतलब वो तो आपकी डैमेज कर देगी और इसके बाद और ज़्यादा आपको मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए फिर इधर आई थी। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि अब आपको यहाँ पे कितने मंथ्स हो गए हैं यहाँ से ट्रीटमेंट लेते हुए? 2 मंथ हुए हैं, अभी आज 3rd मंथ में आई हूँ। 2 मंथ। और 2 महीने में आपको कितना आराम नज़र आ रहा है? मतलब ये काफ़ी काफ़ी लाइट हो गई हैं, मतलब अभी ये फटनी स्टार्ट भी होने लग गई है। मैं परसेंटेज में अगर पूछूं तो आपको यहाँ पे आके कितने परसेंट रिलीफ मिला है 2 महीने में? अभी तो 30% ही है। 30%। हाँ जी। तो जनरली हम ये बोल के चलते हैं पेशेंट्स को कि 5 से 6 महीने से लेके साल भर लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। और आपको जो रिजल्ट है 30 से 40%, जो भी आप 30% बोल रहे हैं, तो वो इसलिए भी आपको इतनी जल्दी आ गया क्योंकि आपने पीलिंग वगैरह कुछ भी नहीं करवा रखी है। मैं आपको ये बताऊं कि जो भी पेशेंट्स पीलिंग वगैरह करवा रहे हैं उनमें तो देखिए और टाइम लगता है, और बाकी जो आपकी डाइट है उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जो आप यहाँ हमारी मेडिसिंस कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे आपको अपनी बॉडी में और भी कुछ आराम नज़र आ रहा है? हाँ जी, मुझे मतलब काफ़ी जैसे प्रॉब्लम थी, वीकनेस वगैरह रहती है, उसमें थोड़ा ठीक लगने लग गया। अपने जैसे काम थोड़ा सा काम करते थक जाती थी, अभी अभी काम कुम करने लग गई हूँ, पहले से ज़्यादा ये हो गया है। अच्छा, मतलब आप ये देखिए कि आपने लेकिन यहाँ पे आके पहले बताया तो नहीं हुआ कि मुझे झाइयों के साथ वीकनेस भी रहती है? नहीं नहीं, ये पहले नहीं बताया, कि मैंने आज शेयर किया उनके साथ। तो ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, जो हमारी जो झाइयों की मेडिसिन है, कई लोग पूछते हैं कि काम कैसे करता है, तो ये आपके ना ओवरऑल बॉडी पे वर्क करता है, क्योंकि झाइयाँ कोई ऐसा ये नहीं है कि कोई बहुत अलग से कोई चीज़ हो गई कि हमें उस पर सिर्फ बाहर से एक्सटर्नली ठीक करना पड़ेगा, इसमें साथ साथ इंटरनल एप्लीकेशन भी होता है। तो ये जो हमारी दवाइयाँ हैं ये आपके इंडाइजेशन से लेके हेयर फॉल हर एक चीज़ को ठीक करते हैं, तो क्या आपने फील किया कि हेयर फॉल या कुछ इंडाइजेशन में आपको आराम है? हाँ जी, हेयर फॉल तो भी है थोड़ा बहुत, लेकिन कॉन्स्टिपेशन की जैसे वो मेरे को काफ़ी आराम मिला है। अब आप देखिए कि झाइयों की दवाइयाँ लेने से इनको इनके कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ है। अच्छा, एक और चीज़ की आप यहाँ पर आए तो आपको क्योंकि 3 साल से प्रॉब्लम थी, तो क्या आपने सोचा था कि ये झाइयाँ ठीक हो सकती हैं? मतलब आयुर्वेदिक पे विश्वास है थोड़ा, मतलब उधर ना जाके इधर, मतलब विश्वास है मैम पे भी हो जाएगा ठीक। जैसे जब आप यहाँ पे आए थे तो आपको था विश्वास क्योंकि आपको किसी ने बताया था, आप मतलब हमें रेगुलरली आप देख नहीं रहते, तो क्या आपको था विश्वास कि ठीक हो सकता है ये? हाँ जी, मुझे था विश्वास, पता नहीं उनकी मैंने वीडियोस भी देखी थी यूट्यूब पे 2-3, फिर मुझे मतलब यही लगा कि गलत जगह ना जाके इधर ही जाऊँ। आप यहाँ पे आए तो आपको यहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह कैसा लगा?
बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट। एक बार भी आपको ऐसा फील आया कि मैं किसी हॉस्पिटल में जा रही हूँ? क्योंकि हॉस्पिटल के साथ हमारे दिमाग में ना बहुत नेगेटिविटी रहती है कि यार हॉस्पिटल जा रहे हैं, सब वैसा होता है, तो आपको क्या थोड़ा सा भी कुछ नेगेटिव लगा? नहीं, यहाँ आके ऐसा कुछ नहीं लगा। और स्टाफ के बारे में? स्टाफ भी बहुत अच्छा, आपका बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा, और जो मेडिसिन है, क्या आपको उनको कंज्यूम करने में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई कि जैसे पेट में जलन होना या फिर कुछ ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। मेडिसिन दो टाइम लेनी है, इतना टफ भी नहीं है कि उसको खाना, मतलब हम टाइम निकाल नहीं सकते हैं। बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा भी। अच्छा। लेकिन ऐसा मुझे कुछ टफ नहीं लगा उसमें भी। हाँ जी। और एक लास्ट क्वेश्चन कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो उपासना मैम हैं, इनका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत एक्सपेंसिव है। मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, एक्चुअली क्या होता है कि लोगों का ना विश्वास उठ चुका है कि झाइयाँ, PCOD, ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हमने वो रिज़ल्ट दिए हैं, हम ये नहीं कहते कि हमने जादू कर दिया है, हमने वो रिज़ल्ट दिखाए हैं। मे बी पेशेंट से पेशेंट वेरी करता है कि थोड़ा सा किसी में भाई टाइम लग गया, किसी को 6 महीने लग गए, किसी को 3 महीने लगे, तो ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे 9 महीने से लेके साल भर भी लगे, हम इस चीज़ को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ हार्म नहीं करती है। तो लोग ना विश्वास नहीं करते, वो कमेंट करते कि ठीक हो ही नहीं सकती, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई भी चीज़ है विश्वास रख के ही होती है, पहले विश्वास बनाना पड़ेगा तभी मतलब ठीक होंगे। अगर हम किसी एलोपैथी या किसी भी पीलिंग वाले के पास जाएंगे, अगर वहाँ भी हम विश्वास रख के नहीं जाएंगे तो वहाँ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन मतलब वहाँ ज़्यादा पैसा ख़राब करने से है कि आयुर्वेदिक हमें किसी चीज़ से नुकसान नहीं देती है, मतलब उसके सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसलिए वहाँ पैसा ख़राब करने से अच्छा है। यहाँ फिर भी ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक आराम ही है। और एक्सपेंसिव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मतलब ठीक है, इतनी मतलब इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना करवा सकते हैं ट्रीटमेंट इतना तो बंदा। क्योंकि हमने ये चीज़ कहते हैं कि ख़राब करने से अच्छा है आप इधर अपने ऊपर सही जगह सही पैसे के इस्तेमाल करो तो फ़ायदा है उसका। क्योंकि पता है क्या कि यहाँ पे दिल्ली में आप जैसे यहीं से आप कि जनकपुरी वगैरह में बहुत सारे डरमेट्स, उनकी 1500-1500 रुपये तो कंसल्टेशन फ़ीस है, और हमें समझ नहीं आ रहा कि फिर भी लोग ये कहते हैं कि हम एक्सपेंसिव हैं। उधर ज़्यादा पैसे, कहीं भी चले जाओ हर डॉक्टर किसी के 2000 भी है। हाँ। 3000 भी है। और ये सिर्फ मैं कंसल्टेशन फ़ीस की बात कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ की, आप जैसे पहले खुद को आईने में देखते थे और जब अब आप देख रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है अभी देख के। पहली बार जब देखा था अपने आप को आईने, मतलब जब मेरा बहुत ज़्यादा 2 महीने में पहले आई थी, इतना फेस ख़राब हो चुका था, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत घबरा गई थी मैं। अच्छा, मतलब वो पूरा ब्लैक ब्लैक पैचेस जल गया था मेरा, मतलब आपसे 2 महीने पहले। हाँ जी, ये पूरा इधर पूरा लाइन बन चुकी थी, ये जल गया था पूरा, ये इसके साथ साथ सनबर्न भी हो रखा था मुझे, मतलब 2 महीने में अभी सनबर्न तो टैन वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ ये लाइट ही दिख रही है। लेकिन आपने कहा कि सिर्फ 30% है, लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हो मेरे को तो 60-70% नज़र आ रहा है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मैंने पहले होम्योपैथिक और दूसरी यूज़ की थी उससे भी लाइट इतनी लाइट हो गई थी, इसलिए ये बात बोली। नहीं, लेकिन आप चिंता मत करो, जो अब वो आपकी ब्लैकनिंग थी और जो अब लाइट हुई है ना, ये आपकी रिवर्स नहीं होगी। तो मैम ने तो खैर 30% बोला, जिस हिसाब से मैम बता रही, क्योंकि जो हमारी मेडिसिन है ना ये स्किन पे ग्लो भी लेके आती है, तो 60-70% खैर मेरे को तो नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, मैम की बात हम ऊपर रखेंगे कि 30% है। फिर जब मैम पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे ना, फिर हम मैम का दोबारा रिपीट। मैं दोबारा जरूर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन की, डॉक्टर उपासना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा, उनके बारे में जितना कहो तो उतना ही कम है, क्योंकि इतना डॉक्टर कोई भी इतना ज़्यादा क्लोज होके नहीं बात करते हैं, थोड़ा बहुत सारे समय देते हैं, वो फुल टाइम देती हैं, पूरी बात सुनती हैं और पूरा उसका सोल्यूशन देती हैं। हमारे मन में ना एक ये बैठ चुका है, जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो थोड़ा सा रूड होते हैं, थोड़ा सा गुस्से में ये ले रहा, आपको समझ नहीं, पेशेंट्स को डांटते हैं, बट आपको यहाँ ऐसा कुछ नहीं नज़र आया? ऐसा कुछ नहीं था। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो आपने मैम का रिव्यू सुना, आप विश्वास रखिए, पिगमेंटेशन चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो वो ठीक हो सकती है। इस नंबर पे संपर्क करिए, एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, आप आके देखिए, आप विज़िट करिए, जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं सारे दूर हो जाएंगे। थैंक यू।